चार प्रकार के भक्त इस संसार के अंदर भक्ति करते हैं, अतार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी। भक्ति चार ही प्रकार की होती है। आर्त जो होते हैं वो दुख में परमात्मा को याद करते हैं, शारीरिक दुख हो चाहे मानसिक दुख हो चाहे आर्थिक कष्ट हो, इस कष्ट से पीछा छुड़ाने के लिए कोई भी कितना भी नास्तिक आदमी हो, अगर वो परेशान हो जाता है, कष्ट आने लगते हैं, शरीर में रोग आने लगते हैं, या जब कर्म दुख के शुरू होते हैं तो वो परमात्मा की तरफ भागता है, संतों की तरफ भागता है, मंदिरों की तरफ भागता है कि कोई रास्ता मिलेगा, किस प्रकार से ये कष्ट कम हो, दुख कम हो, कैसे मैं इस जीवन को सुखपूर्वक जी पाऊं। ये आर्त यानी बहुत दुख भरी पुकार। फिर होता है अतार्ती, वो इच्छाओं की पूर्ति के लिए जिस प्रकार से संसार में कोई राज के लिए, कोई धन संपदा के लिए, कोई घर के लिए, कोई सांसारिक वस्तुओं के लिए, कोई किसी कारण से, यानी जो मन में इच्छाएं होती हैं, कुछ भी, सब प्रकार की इच्छाओं के लिए जो उसका ध्यान करते हैं, सुमरण करते हैं, वो अतार्ती होते हैं। तीसरे जिज्ञासु, जो परमात्मा की खोज के लिए, उसको जानने के लिए, उसका अनुभव के लिए, उसको देखने के लिए, उसके संग के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के संकल्प, लेकिन वो परमात्मा से ही जुड़े हुए होते हैं। कोई भी संकल्प हो, बस खोज परमात्मा की ही है। तो उस खोज के लिए वो प्रयास करते हैं कि प्राप्त हो जाए, उसकी कृपा बरस जाए। और जो चौथी श्रेणी के भक्त होते हैं, ज्ञानी जिनको बोलते हैं, वो परमात्मा को ऐसे याद नहीं करते जैसे साधारण लोग करते हैं। उनका जाप इस प्रकार से नहीं होता, हालांकि वो करते हैं, ध्यान भी, जाप भी, जब याद आया कर लिया, नहीं आया तो स्थित है स्वयं में, उनकी अलग स्थिति होती है, वो अलग श्रेणी के लोग हैं। उनकी जो स्थिति इतनी मजबूत होती है कि वो परमात्मा को इसलिए याद करना बंद कर देते हैं, कहीं मेरे ध्यान के कारण से उनको कष्ट ना हो, कहीं आप लोग बंद मत कर देना ये सोच करके कि हमारे कारण से परमात्मा को कष्ट ना हो इसलिए हमने भजन करना बंद कर दिया, आपका काम बिल्कुल भी नहीं चलेगा।
क्योंकि अगर ये सोच करके बंद कर दिया फिर आपका काम वहीं का वहीं रुक जाएगा। तो वो सिद्ध होते हैं।